और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दी मौसम से जुड़ी हुई। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले के लिए येलो अलर्ट है। ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों की अगर बात करें तो देखिए, इन जिलों में तेज सतही हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ मध्यम बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम जो है दिन ब दिन करवट ले रहा है, और इसी बीच में येलो अलर्ट प्रदेश के लिए जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। कौन कौन से जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है वो लगातार बता रही है। जयपुर, जयपुर शहर, अलवर, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, ये तमाम जिले जिनके लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उसके अलावा देखिए, दौसा, बारा, कोटा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इन जिलों में तेज सतही हवा, मेघ गर्जना, वज्रपात के साथ मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन बने हुए हैं। जियाउद्दीन, विस्तार से जरा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश का जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ जिले जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया। देखिएगा कि येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, और अभी कुछ ही मिनटों पहले मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर से बूंदी, कोटा और दौसा जिले के लिए, क्योंकि तीन जिलों के अंदर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बाकी जो जिले हैं जिसके अंदर जयपुर शहर है, धौलपुर है, कोटा है, और माधोपुर है, और आसपास के जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, इसके अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो 20 से 22 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मौसम विभाग की ओर से आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार जो मानसून जो है प्रदेश के अंदर मेहरबान है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो औसत बारिश जुलाई के महीने के अंदर होना चाहिए थी, उस औसत बारिश से अब तक कुछ प्रतिशत बारिश जो है कम दर्ज की गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई का जो बचा हुए दिन है इसके अंदर मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ेगा, और राजस्थान के जो कई जिले हैं जो अभी तक अछूते हैं बारिश से, और जहां पे बारिश कम हुई है उन जगहों पे भी बारिश देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, हमने देखा कि जुलाई के अंदर जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हुई, लेकिन अब सावन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन जियाउद्दीन, लगातार हम आपसे भी अपडेट लेते हैं कि हमने टोंक की तस्वीरें भी देखी थी कि टोंक में किस तरह के हालात बने हुए थे। ऐसे में जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया, प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था, और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर भी विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिएगा कि संभाग वाइज अगर देखा जाए तो चूंकि एक परिसंचरण से कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश में बना हुआ था, जो बदल कर बाद के अंदर कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया, मानसून की ट्रफ लाइन राजस्थान से होकर गुजर रही है। ऐसे के अंदर ये जो बात सामने आई थी कि राजस्थान के अंदर खासतौर से अजमेर संभाग, जयपुर संभाग हो, कोटा संभाग हो, उदयपुर संभाग हो, इन संभागों के अंदर तेज बारिश हो सकती है, और इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 23, 24 और 25 तारीख तीन दिन के लिए मौसम विभाग ने कहा था कि चारों संभागों के अंदर कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज हो सकती है। जैसा जयपुर, अजमेर संभाग के टोंक में देखने को मिला, अलग अलग इलाकों के अंदर भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, हाल बेहाल है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां अभी तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है, और वहीं कई जिले ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही पूरे राजस्थान के अंदर मानसून की जो औसत बारिश है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बात जो सामने आई थी कि अगस्त से सितंबर का जो जो टाइम पीरियड होता है मानसून का, उसके अंदर मानसून के अंदर अच्छी बारिश हो सकती है, जो मानसून का तीसरा स्पेल अपन जिसको बोल सकते हैं, तीसरा चरण जो बोल सकते हैं, जब वो एक्टिव होगा फिर से तो और अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार बता रहे कौन कौन से जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट किसके लिए जारी किया गया है वो लगातार हम आपको अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं।